गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम स्टडी कर रहे थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या बताया था मैंने, अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड 1 2 है तो उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। साइन और कॉस उनकी डोमेन में 1 1 1 2 नहीं होता है, लेकिन उनकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके हम उन फंक्शंस को 1 1 एंड 1 2 बना सकते हैं। तो अभी हमने साइन की डोमेन्स को रेस्ट्रिक्ट करके साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स फंक्शंस देखे, उनके ग्राफ्स देखे। नाउ अब हम कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स फंक्शन देखते हैं। अब मेरे को पता है कोसेक क्या होता है, 1/sin(x) होता है। अब कोसेक की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, एक्स, ऑल x, x बिलोंगिंग टू r, लेकिन x n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, जहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर्स को। और इसकी रेंज होती है y, y बिलोंग्स टू r, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और y इज़ लेस दैन इक्वल टू -1, यानी y 1 से बड़ा होना चाहिए और -1 से छोटा होना चाहिए। ओके, ये इसकी रेंज होती है। 1 और -1 इसमें इंक्लूडेड होते हैं। दैट इज़ द सेट r माइनस -1, 1, यानी -1, 1 इंटरवल को छोड़ के ओपन इंटरवल में जितने भी एलिमेंट्स हैं रियल नंबर में, वो सारे इसकी किस में आते हैं, रेंज में आते हैं। इट मींस दैट y इज इक्वल्स टू cosec x, अज्यूम ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट y। y जब -1, 1 इंटरवल में होगा, उस इंटरवल में cosec की कोई वैल्यू नहीं आती है, अदरवाइज उसकी सारी वैल्यूज आती है। तो अब मैं इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, इसकी डोमेन को मैं रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ -π/2, π/2, -0, यानी 0 को निकाल के -π/2, π/2 का इंटरवल ले रही हूँ, उसमें से मैंने 0 को एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये 1 1 और 1 2 हो जाएगा विद इट्स रेंज। रेंज क्या रहेगी, r -1, 1। क्लियर है? तो डोमेन को मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो, और रेंज मैंने सेम रखी है। क्लियर है? तो एक्चुअली कोसेक फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू एनी, मतलब इस इन किसी भी इंटरवल में, यानी -3π/2, -π/2, -π या -π/2, π/2, -0, π/2, 3π/2, -π, इन किसी भी इंटरवल्स में अगर मैं इसको रेस्ट्रिक्ट कर देती हूँ तो ये फंक्शन कैसा हो जाता है, 1 1 और 1 2, और इसकी जो रेंज है वो कितनी रहती है, r -1, -1। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये यहाँ बात हुई कोसेक फंक्शन की। तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो मेरा कोसेक इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, जो रेंज थी वो डोमेन हो जाएगी और जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन थी वो मेरी रेंज हो जाएगी। तो ये मेरा हो गया कोसेक इनवर्स फंक्शन। ये कोसेक फंक्शन था। इस सेम फंक्शन को मैंने उल्टा करके बनाया, यानी इसकी वाई एक्सिस, इसकी वाई एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस बन गई और इसकी एक्स एक्सिस यहाँ पे वाई एक्सिस बन गई, और इस ग्राफ को मैंने सेम यहाँ बनाया। तो ये किसका ग्राफ बन गया, कोसेक इनवर्स एक्स का। देखो वही लाइन खींची है, यहाँ पे डॉटेड लाइन किस किस पे है, -π पे, π पे, 2π पे। तो यहाँ भी देखो डॉटेड लाइन किस किस पे है, -π पे, π पे, 2π पे। अब एक जो मेरा पैराबोला टाइप का फिगर है वो एक 0 से π के बीच में बन रहा है, तो यहाँ भी मैंने 0 से π के बीच में बना दिया। ऊपर की तरफ ओपनिंग है, यानी वाई एक्सिस की तरफ, यहाँ ऊपर वाई एक्सिस की तरफ ओपनिंग था, तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग एक्स एक्सिस की तरफ हो गई। सेम एज इट इज़ हमने फिगर बनाया है। तो ये बात हुई हमारी कोसेक इनवर्स की। ऐसे ही अगर मैं सेक की बात करूँ तो सेक को मैं लिख सकती हूँ 1/cosx। जैसे ही 1/cosx लिखती हूँ और इसके डोमेन को मैं रेस्ट्रिक्ट कर देती हूँ 0π से -π/2 में, तो ये 1 1 एंड 1 2 फंक्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं सेक इनवर्स की बात करूँ तो ये मेरा सेक इनवर्स फंक्शन हो गया। मेरा सेक इनवर्स फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे r -1, -1 से 0π -π/2 तक। तो मेरा सेक इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या होएगी, r -1, -1, और रेंज क्या होएगी, 0π -π/2। तो ये sec x का ग्राफ होता है। इस sec x के ग्राफ में यहाँ पे इस y को बना दो x एक्सिस और इस y एक्सिस, सॉरी इस x एक्सिस को बना दो यहाँ पे y एक्सिस, तो ये हमको क्या मिल जाएगा,
क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल ग्राफ है। सेक एक्स का आप पढ़ के आए हो, जस्ट इंटरचेंज करो एक्स और वाई को और सेक इनवर्स एक्स का हम ग्राफ बना सकते हैं। नाउ फाइनली अब हमारे जो डिस्कस करने का बचता है वो बचता है टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स। टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनकी भी इसी तरह से हम डोमेन रेस्ट्रिक्ट करेंगे। इनको समरी में हम देखते हैं तो हमारे को समरी में याद रखना होगा। समरी में हम इनको इस तरह से याद रखेंगे, देखो ये टैन इनवर्स हो गया। टैन इनवर्स क्या होता है, टैन इनवर्स की डोमेन क्या होती है आर, और इसकी रेंज को मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। तो इस रेंज में और इस डोमेन में ये फंक्शन वन वन ऑन टू है, आर से माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू में, इसीलिए ये जो है इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है आर से लेके माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू में, इसीलिए हमारा जो टैन इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स, वही यहाँ पे ये टेन एक्स का ग्राफ है। टेन एक्स के ग्राफ को मैंने उल्टा कर दिया, बिल्कुल इंटरचेंज कर दिया एक्स और वाई एक्सिस, तो मेरे को टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। इसी तरह से अगर अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, टेन इनवर्स हो गया, लास्ट में मेरा बचता है कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, आर से लेके ज़ीरो कॉमा पाई तक। तो इसके इस रेंज में, इस डोमेन और इस रेंज में ये जो कॉट फंक्शन है ये कैसा होगा, इनवर्टिबल होगा। क्यों, क्योंकि ये वन वन एंड ऑन टू होगा। तो इस डोमेन में मैं बोल सकती हूँ, इस डोमेन और रेंज में, कि जो फंक्शन है इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो ये यहाँ पे कॉट का ग्राफ है, इस सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमने कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया एक्स और वाई एक्सिस को इंटरचेंज करके। तो यहाँ ये हमारा पूरा समराइज में हो गया है। देखो बच्चों, याद कैसे करना है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो चीज़ है ना डोमेन, ये सेम है जो हमारी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की जो रेंज होती थी, वो सेम रेंज यहाँ पे क्या है, डोमेन है। बस चेंजेस किस में हुए हैं, यहाँ पे हुए हैं, यानी जो साइन कॉस की रेंज थी उनको हमने क्या किया है, रेस्ट्रिक्ट किया है। तो जो चेंजेस हुए हैं वो हमको सिर्फ इसमें करने हैं, बाकी इनकी जो रेंजेस थी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की, उसकी रेंज में हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। आप चाहो तो देखो मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ फर्स्ट वाले में ये देखो, यहाँ पे साइन की डोमेन क्या है, साइन की डोमेन क्या है आर, आर इसकी डोमेन क्या है आर, इसकी भी डोमेन क्या है आर, यहाँ आर माइनस माइनस वन कॉमा वन एंड आर माइनस माइनस वन कॉमा वन। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट इनकी डोमेन आर है, तो वहाँ साइन इनवर्स में देखना इनकी रेंज आर ही है। आ रही है बात समझ में, इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे यहाँ पे ये जो इनकी डोमेन थी वहाँ पे भी ये सेम ही रहेगी, ये चेंज नहीं होएगी। ओके, सो अपन इधर आते हैं जहाँ हम पढ़ रहे थे, ये देखो साइन इनवर्स की वही माइनस वन कॉमा वन माइनस वन कॉमा वन आर माइनस माइनस वन कॉमा वन, सॉरी डोमेन नहीं रेंज सेम रहेगी, मैंने गलत बता दिया। ये देखो यहाँ माइनस वन कॉमा वन है, यहाँ भी माइनस वन कॉमा वन है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ आर माइनस माइनस वन कॉमा वन है वन। तो ये जो डोमेन है यही डोमेन यहाँ, ये जो रेंज है सॉरी, यही रेंज यहाँ आके क्या बन गई मेरी डोमेन, यही रेंज यहाँ आके क्या बन गई मेरी डोमेन सेम फंक्शंस के लिए। बस वहाँ की डोमेन को मैंने रेस्ट्रिक्ट करके यहाँ की रेंज चेंज कर दी है। तो ये हमारी बात हुई साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स फंक्शंस की बात हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है।
इन्हीं से रिलेटेड अब हम जो है इनके एग्जांपल्स करेंगे। मैं आपको इनके एग्जांपल्स बताऊंगी कि अपन को इनके एग्जांपल्स कैसे करने हैं ना। पहले एक बार ये नोट देखना, नोट क्या कहता है, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद साइन एक्स इनवर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखो साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स एंड साइन एक्स का इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद साइन एक्स इनवर्स। साइन एक्स इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन साइन एक्स, एंड सिमिलरली फॉर अदर फंक्शंस। यानी ये जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। साइन इनवर्स एक्स अलग है और साइन एक्स का इनवर्स अगर मैं बात करती हूँ, वन अपॉन साइन एक्स होता है। ओके, देन वेन एवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज मैंशनड, वी मीन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यानी ये जो चार्ट मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, हमने बहुत सारे डोमेन्स लिए थे जहाँ मैंने उसके इंटरवल्स को रेस्ट्रिक्ट किया था, ये जो पर अगर कुछ मैंशन नहीं है तो हम किसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वो क्या कहलाती है, उसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कहलाती है। ये ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद साइन एक्स इनवर्स। ओके, ये अलग अलग, साइन इनवर्स एक्स इज डिफरेंट एंड साइन एक्स का इनवर्स मैं लिखूँ तो वो होता है वन अपॉन साइन एक्स। इसी तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी सेम चीज चलती है। नाउ नेक्स्ट क्लासेस में, यहाँ तक की बात हमने करी, नेक्स्ट क्लासेस में हम इनके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन फंक्शंस का ये जो चार्ट मैंने बताया है, इस चार्ट को अच्छे से आप लर्न करके गो थ्रू कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास विद मोर एग्जांपल्स एंड मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।